मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल का सालाना जलसा 18 से 20 अक्टूबर के बीच मनाया जा रहा है। शनिवार को स्कूल की छात्राओं द्वारा निर्मित मॉडल और चार्ट की प्रदर्शनी में पोट्री, हस्तकला और पेंटिंग को प्रदर्शित किया गया। स्कूल के मुख्य परिसर में लगाई गई प्रदर्शनी को छात्राओं और उनके अभिभावकों ने देखा और सराहा। तत्पश्चात पूर्व छात्राओं की एल्यूमिनी आयोजित की गई और सामूहिक भोज हुआ। स्कूल प्राचार्य सुश्री कंचन खाडके ने बताया कि रविवार को हॉर्स शो होगा, जिसमें स्कूल के एक्यूस्टेरियन मैदान में छात्राएं घोड़ों पर करतब दिखाएंगी। साथ ही ओपन स्टेज पर प्ले आयोजित किया जाएगा, जिसका लेखन और चित्रण छात्राओं द्वारा किया गया है। यह प्ले भारतीय मूल्य और नैतिकता पर आधारित है। वहीं स्कूल का मुख्य समारोह सोमवार सुबह 10 बजे शुरू होगा, जिसमें मेयो कॉलेज के पूर्व प्राचार्य व मेयो गर्ल्स स्कूल की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले शिक्षाविद HL दत्त मुख्य अतिथि होंगे। इस मौके पर विभिन्न वार्षिक गतिविधियों में बेहतर प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को पुरस्कृत भी किया जाएगा। शनिवार को किडजी प्री स्कूल अजयनगर स्थित शाखा में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों को विभिन्न वेशभूषा के अनुसार कविताओं का अनुवाद किया। इस मौके पर बच्चों के अभिभावक भी मौजूद थे, जिन्होंने बच्चों के इस कार्यक्रम को देखकर तालियां बजाई और सराहा। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का संचालन शिखा वर्मा ने किया। विद्यालय की संचालिका स्नेह गोयल के मार्गदर्शन में कार्यक्रम का संचालन हुआ और प्रतियोगिता के अंत में सभी विजेता बच्चों को पुरस्कार प्रदान किए गए। आज किड्स अजयनगर में फैंसी ड्रेस कंपटीशन रखा गया, जिसमें बच्चे अलग अलग वेशभूषाओं में आए। नर्सरी, प्ले, जूनियर केजी, ये सभी का क्लास में पार्टिसिपेट किया और इसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट राइम्स बच्चों ने करी। किसी ने आलू कचालू, पानी वर्षा, जॉनी जॉनी, सब ने बहुत, पेरेंट्स ने भी बहुत लुत्फ उठाया इसका। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि ये वेजिटेबल्स होती है, एक्चुअली प्रैक्टिकली जो बच्चा समझ सकता है वो हम लोग वैसे नहीं समझा सकते। राम का आदर्श चरित्र हमारे लिए प्रेरणादायी है। यह राम की दयालुता और महानता ही है कि वे केवट को निर्मल भक्ति का वरदान करते हैं। इसी भारतीय संस्कृति की झलक माहेश्वरी पब्लिक स्कूल के मंच अभिव्यक्ति पर देखने को मिली। मौका था दीपोत्सव का, जिसके अंतर्गत रामचरितमानस के कुछ प्रसंगों को दर्शाया गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर RK श्रीवास्तव ने मुख्य अतिथि जिला परिषद के CEO लालाराम गुगरवाल का स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत लक्ष्मी और गणेश वंदना से की गई। इस अवसर पर विभिन्न सह शैक्षणिक गतिविधियों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पारितोषिक और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। वहीं हिंदी नाटक केकई मंथरा संवाद में राम राज्य की परिकल्पना, मंथरा का केकई को बरगलाना, राम को वनवास का वरदान जैसे प्रसंग बखूबी प्रदर्शित किए गए। इस मौके पर नृत्य के जरिए प्रभु राम की लीलाओं की प्रस्तुति और राम दरबार की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। अंत में स्कूल की हेड गर्ल मीनल श्रीवास्तव ने दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए सभी का आभार जताया। दिवाली उत्सव में गणेश और लक्ष्मी की पूजा हुई, उससे कार्यक्रम का हमने शुभारंभ किया और इस कार्यक्रम का जो मेन अट्रैक्शन था वो था राम कथा।
राम कथा संवाद पे कैकेयी संवाद पे बच्चों ने एक नृत्य नाटिका प्रस्तुत की और उस नृत्य नाटिका को जितने दर्शक थे उन्होंने सबने भूरी भूरी इसकी प्रशंसा और सराहना की। जी टू प्ले स्कूल के लगभग 30 बच्चों और अभिभावकों के साथ स्कूल के राजकुमार वजीरानी, तुलसीबाई और स्कूल संचालिका सोनिया वर्मा ने लोहागल रोड स्थित अपना घर आश्रम में रह रहे निशक्त और विशेष योग्यता जनों को दीपावली के उपलक्ष्य में चाय, नाश्ता, फल, अल्पाहार और 5 कंबल व नैपकिन भेंट किए। स्कूल के बच्चों ने अपने हाथों से निशक्त जन को नाश्ता कराया और फल भेंट किए। इस अवसर पर दीपोत्सव मनाते हुए इनके साथ दीपदान किया गया। कार्यक्रम में बच्चों और निशक्त जनों के चेहरों पर खुशी देखते ही बन रही थी। इसी तरह पुष्कर रोड स्थित सावन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शनिवार को दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत स्कूली बच्चों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के साथ आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं के विजेता विद्यार्थियों को उपहार और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। दीपावली मनाते हैं तो कुछ लिमिटेड लोग होते हैं, लेकिन स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ करीब 500 बच्चे टीचर्स के साथ मिलकर दीपावली मनाते हैं। पटाखे चलाने का हेजिटेशन दूर होता है, फंक्शंस करते हैं, अपनी बातें करते हैं, दीपावली के बारे में बात करते हैं, दीपावली क्यों मनाई जाती है, इसी प्रसंग को रामायण से जोड़कर हम लोग बच्चों तक हमारे संस्कारों को ले जाने की कोशिश करते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी ये संस्कार आगे चलते जाएं, यही मकसद शायद मैं सोचता हूँ कि दीपावली मनाने का है। संस्कृति द स्कूल के 10वें वार्षिकोत्सव पर 2 दिवसीय सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रमों का आगाज अंकुर के साथ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी और इंडियन ओलंपियाड एसोसिएशन के उपाध्यक्ष जनार्दन सिंह गहलोत और विशिष्ट अतिथि एशियाड गोल्ड मेडल विनिंग कबड्डी टीम के कप्तान नवनीत गौतम थे। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा फैंटेसी, परियों की खूबसूरत दुनिया, चॉकलेट वर्ल्ड, वेजिटेबल सहित कई किरदारों को प्रदर्शित कर तालियां बटोरी। वहीं बॉलीवुड कलाकारों के अभिनय का प्रदर्शन कर रोबोटिक डांस से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं हिंदी नाटक राजा और रानी में कुबेर की कथा मंचित कर दीपोत्सव के आगमन का स्वागत किया गया। स्कूल प्राचार्य रिटायर्ड कर्नल ए.के. त्यागी ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। जूनियर कोऑर्डिनेटर नमिता पांडे ने विद्यार्थियों के लिए संचालित ओवरनाइट कैंप और अन्य गतिविधियों से अवगत कराया। Thank you.